हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मंगलवार का दिन था, रात का समय था और तारीख था 22। और अभी तक लंच नहीं बना है क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। पति देव को लगी है बहुत तेजी। पिज्जा खाए उसके बाद से कुछ नहीं खाया, पेटों में गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी हो रही है। मिल रहा कुछ खा लो। मैं बाहर गया था लेकिन गोलगप्पा भी नहीं खाया। मैंने इनसे बोला कि चाहिए गोलगप्पे लेकर आइए, तो कह रहे हैं कि आप खुद ही गोलगप्पे हो गई है तो क्या गोलगप्पे खाएंगे। मुझे चलो घर पे ही खाना खा लेते हैं, क्या गोलगप्पे। और मेरा ना सच बताया आज ना, मतलब कि कब से सोच रहे थे क्या बनाए क्या बनाए, और खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चलो गोलगप्पा चैलेंज कर लो। अब कहा 10 बजे रखेंगे तो मिलेगा गोलगप्पा। तो गाइज आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो पति देव बोले कि मत बनाओ जाने दो। और वो सब अभी डांस सीखने गए हैं। घड़ी में देखिए, दिख रहा है घड़ी 10 बजने में। घड़ी थोड़ा सा मेरा 10 मिनट का लेट ले। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। उस ऐप का नाम है प्रतिलिपि FM। आपके सभी पसंदीदा शैलियों की कहानियों, पुस्तकों, पॉडकास्ट और बहुत कुछ के लिए एक ही अकेला ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 9 भारतीय भाषाओं में आप कहानी सुन सकते हैं और 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक आप फ्री में सुन सकते हैं। और आप अलग अलग शैलियों में कहानी सुन सकते हैं, जैसे रोमांस, थ्रिलर, हॉरर, बच्चों की कहानी, ऐतिहासिक आदि। और इसमें एक ऑटो प्ले सुविधा है जो बिना हाथों का अनुभव देता है। और सभी कहानियां ऑडियो बुक्स एक्सपर्ट से लाए हुए, ताकि आपको बेस्ट मिल सके। और आप अपनी बुक को जिंदा रखने के लिए हर वीक आपको नया कंटेक्ट मिलेगा। आप दोबारा से अपनी कहानी वहीं से सुन सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। और आप अपने पसंद का शैली चुनकर कहानियों को उससे भी अच्छा चुन सकते हैं। अब चलते फिरते भी कहानी सुन सकते हैं। तो सो गाइस, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक वगैरह मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप चलते फिरते कहीं भी रहिए, ऑफलाइन आप कहानियां पसंदीदा सुनिए। रात का 10 बजने में 3 मिनट, देखिए 3 मिनट बाकी है। 9:57 हो रहा है और खाना बिल्कुल बनाने का मन है। और थोड़ा सा ना रेसिपी ना बहुत, मतलब कि सर भारी भारी लग रहा है और मन ही नहीं लग रहा है। सच बता दो, खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। रोज खाना खाते खाते उठ जाते हैं। कम करके एक दिन मत खाओ यार। मैंने अभी पिज्जा जो मंगाया, खा लो, चाय बना देते हैं, पी लीजिए। चाय सब पी लिए हैं। किट्टू चाय बनाई थी, चाय बनाकर दोपहर क्या था, शाम था, दोपहर इनके था। फिर उसके बाद सब लोग खाए हैं। अभी वो सब डांस से नहीं आए हैं। हम सोचे कि वो आएगी, बनाएगी खाना पीना। अब 10 बजे अभी तक आए नहीं है। तो पति जो मार्केट गए थे मटर लेकर आए, बैठे बैठे यहाँ सब मटर छील दिया। उसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया, तो छील कर शायद बेचारा थाली वाली सब देखो कचड़ा वचड़ा यहाँ पन्नी में रख दिया है। दिख रहा है ना यहाँ नीचे थैला पन्नी, और मटर तो छील कर रख दिया है। और फिर उसके बाद अरे ये मटर वटर देखो छिलकर रखा हुआ है, या पोहा लाए हैं। कमेंट करोगे वन्ना जी, ए वन्ना जी कितना पोहा खाती हो, इतना खाती हो। तो देखते हैं, चल रहे पोहा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे खाने में। और वैसे मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आज हम बना रहे हैं पोहा। आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए वन्ना जी के घर पर, पोहा बनाकर खिलाते हैं। तो गाइस ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिए, पोहा बनाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। आप सब देख सकते हैं मम्मी पोहा बना रही है। इधर मम्मी ने प्याज, मिर्ची, अदरक कट कर दी है और इधर कढ़ाई में तेल डाल दिए। क्या कहते हैं, फॉर्च्यून, हाँ, रिफाइन है। उधर मटर पोहा है मम्मी ने प्याज, प्याज पोहा बनाने के लिए ये मैंने 3 प्याज लिया था, मिर्ची लिया था। मम्मी इधर ये अदरक काटेगी, अदरक प्याज काट रहे हैं और इसको अभी धुलेंगे। तो इधर अदरक काट लिए और आधा तो जुड़े रही ब्लॉग में, आगे देखते क्या होता है। मेरा मुझे सर्दी हो रखा है, लेकिन बहुत जोरों की खुशबू आ रही थी तो मैं खिंचा हुआ चला आया किचन में। और यहाँ पे आप लोग बोलेंगे वही तो पोहा है, लेकिन सीजन अब जा रहा है मटर का, तो हमने बोला बना देते हैं। वैसे खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। और किटो अरे डांस से आ गए तो क्या बोले, क्या खाना बनेगा। हम के रोज तो खाना खाते हैं, अब करे फिर रोटी सब्जी बनेगा क्या। हमके नहीं, पोहा बन रहा है। हमके जाओ तुम आराम करो, मैं बना लेती हूँ। इसमें क्या दो दो लोग भिड़े रहेंगे। तो यहाँ हमारा पोहा बन गया है। हाँ। थोड़ा सा इसको हम मिला रहे हैं अच्छे से, सारा मसाला, नमक और एक बार फोकस करता हूँ मैं।
देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये इंदौरी पोहा लग रहा है मुझे तो। इंदौरी पोहा का मतलब आप लोगों को पता है, क्योंकि इंदौर का जो पोहा है ना काफी फेमस है, जैसे कि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है वैसे इंदौर का पोहा बहुत फेमस है, बरेली की बर्फी फेमस है, हमारे इलाहाबाद का जो है अमरूद फेमस है। हाथ दर्द होने लगा मेरा हाथ दर्द होने लगा, चलाते चलाते नया वाला कढ़ाई आप लोग कमेंट करते थे ना। अरे वाह यार, इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, काफी लुक अच्छा आ रहा है इसका कढ़ाई का। किचन में कुछ नया चीज यूज कर रही, पहली बार मैंने इसमें बना रही हूँ। और काफी गहराई है इस कढ़ाई में, तभी तो लिया था, कपड़ा देकर लिए थे कढ़ाइया। अरे यार मेरा कपड़ा दे दी तुम। तो गाइस किस किस मतलब घर में सबके पोहा बनता है, कुछ कमेंट करेंगे कि ये क्या बनना है, पोहा पोहा दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, इसको देखना है, देखिए दो खाना है। तो गाइस यहाँ पोहा हमारा बन गया है और हम लोग अब खाएंगे, थोड़ा सा इसको 5 मिनट भपाएंगे क्योंकि नमक वो डाले हैं मसाला, क्योंकि अच्छी तरह वो गर्म है। 10 रुपए हम थोड़ा ढाल देते, 5 मिनट भप जाएगा, फिर हम खाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए खाने। लेकिन यहाँ भी इंदौर का पोहा मिलता, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं इधर साउथ दिल्ली में नहीं मिलता, उधर जाना पड़ता है पटेल नगर की तरफ, वहाँ पे मिलता है इंदौर का पोहा और काफी अच्छा लगता है। तो सो गाइस यहाँ पोहा हमने ले लिया है और इधर पति देव खा रहे हैं, इधर सोनाक्षी खा रही है। अरे खाएगा, थोड़ा सा मांग रहे हैं। और किट्टो को देखो कढ़ाइये खा ले वहाँ, देखो हमको इतना ही है करने का, आधा किलो कितना हटेगा इतना। तो अभी कभी कोई कदम खाएंगे नहीं, या सबको घटे पड़ जाए। मेरे पापा ठंडा कहते ना उठाया चला सब्जी लिया हुआ है, खा रहे ब्लॉग बना के रखे नहीं, समझ ले एडिट न कर। पति देव बताए नहीं कैसा बनाए पोहा, जो हम खिला तुमको भाभी जी घर पर है। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना, लेकिन क्या करे पोहा कम पड़ गया, एक पूरा कढ़ाइया भर के नहीं खा गई ना। अब सबसे कम हमको भी सबको मिला है, हम लोग तुम तो खाती नहीं, हमसे तुम्हारा हंसी नहीं बनेगा। हम इतना खा रहे लेकिन, सबसे ज्यादा हम भी खाते हैं पोहा, वहाँ भी गांव में बनता था, सबसे ज्यादा वही खाते थे। एक दिन तो बोला था हम लोग खाए नहीं थे, वही ज्यादा कर टेस्टी बना, बहुत अच्छा लग रहा है। जाने वाला समय है ना इसका, इसीलिए काफी दिन बाद बना भी है। जाओ अम्मी जी से पूछो कैसा बना है, वो तो उनको तो पोहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सो गाइस सुबह का टाइम हो गया है और देख रहे ऋषभ कितना बदमाश लड़का है, और उसको मैंने सुबह ऑरेंज काट के दे दिया था और ऑरेंज खा लिया था। ये क्या खा रहा है, ये गाजर खा रहा है, इसके पापा लाए थे ना कल मार्केट गए थे गाजर लाए थे, और ये इनको भी पपीता काट के दे, ये भी खा लिए हैं, पढ़ाई कर रही हैं। बेसिक चीज जो मतलब जनरल नॉलेज होता है, मैंने बोला उसको पढ़ो और उसको याद करो। और यहाँ पर नहीं। उसके बाद अरे हमको तो आप बहुत कम देखते हैं फल मतलब फ्रूट वगैरह खाना, हमें मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, और हमें डर के मारे इसलिए नहीं खाती ना मैं, अगर फल वगैरह खाती तो मेरा तुरंत गला पकड़ लेता है और खांसी आने लगती है। तो हमने बोला कि सब खाते हैं पपीता वगैरह, इतने मेरे हस्बैंड लाते हैं, फल फूल लाते हैं, हम कभी खाते नहीं, हम कहे हम भी खाते हैं। और लोग कहते हैं कि आप मोटी हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, तो क्या करें गाइस। देखिए हम फल और भी नहीं खाए, केवल खाना ही थोड़ा बहुत खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं तो भी, लेकिन मेरा फैट हो रहा है, अब पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, समझ में नहीं। वैसे मैंने सारा चेकअप भी करवा लिया, थायराइड वगैरह का कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। और हम कहे चलिए कुछ दिन तक खाना छोड़ते हैं, हम भी फ्रूट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। सुने हैं कि पपीता खाने से थोड़ा चर्बी कम होती है, चलिए खाते हैं। ऐसे समय पर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए फ्रूट वगैरह हमें, क्योंकि हम खाते नहीं हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है और मेरे को जुकाम जल्दी पकड़ लेता है। ट्राई करते हैं, और आप लोग को भी खाना है तो आइए खा लीजिए फ्रूट वगैरह, बहुत पका हुआ है ये पका पपीता है जो मेरे पति देव लाए थे, हम लोग खा रहे हैं। ऋषभ तो खा, ये तो ऋषभ पपीता नहीं खाता है। तो गाइस कैसा रहा आज का हमारा वीडियो, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऋषभ को थप्पड़ मारेंगे अभी चलकर, हम बहुत बोलता है, बहुत बदमाशी करता है गाइस, बहुत ज्यादा। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। मेरे बुक लवर पढ़ने वाले, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रतिलिपि का ऐप है, लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए और अपना पसंदीदा कहानियां स्टोरी सुनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।